आईफा में हाल ही में काफी सितारों ने शिरकत की। इसके ग्रीन कारपेट पर कई हसीनाओं ने अपने हुस्न के जलवे दिखाए, लेकिन इस बीच अनन्या पांडे अपनी साड़ी के साथ जूझती हुई नजर आई। जी हाँ, हाल ही में अनन्या का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो साड़ी में काफी अनकंफर्टेबल दिख रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बॉलीवुड से जुड़े ऐसे लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अबू धाबी के यस आइलैंड में इंटरनेशनल भारतीय फिल्म अदाकारी पुरस्कार का आगाज हो चुका है। ये फंक्शन लगातार 3 दिन होने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी बी टाउन के सितारों ने आईफा के ग्रीन कारपेट पर जलवा बिखेरा, लेकिन इन सितारों के बीच अनन्या पांडे काफी मेहनत करती हुई नजर आई। अनन्या पांडे ने इस अवार्ड शो के लिए सिल्वर सीक्वल वाली साड़ी पहनी थी। साड़ी को इस तरह से बांधा गया था कि अनन्या ना तो ढंग से चल पा रही थी और ना ही साड़ी संभाल पा रही थी। आईफा अवार्ड के लिए अनन्या पांडे ने मनीष मल्होत्रा की साड़ी का चुनाव किया, लेकिन हमेशा शॉर्ट ड्रेस में नजर आने वाली अनन्या साड़ी संभाल नहीं पा रही थी। एक्ट्रेस को इस साड़ी में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा और यह आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये भी दिखेगा कि अनन्या बार बार हाथ से अपने पल्लू को ठीक कर रही है। एक्ट्रेस के वर्क फ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे जल्द ही विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर और खो गए हम में नजर आने वाली है। एक्ट्रेस के इन मूवीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले अनन्या पांडे गहराइया में नजर आई थी। इस फिल्म में अनन्या के साथ दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ चतुर्वेदी अहम रोल में थे। यह फिल्म पर्दे पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। दोस्तों, आपको अनन्या पांडे का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।